और खबर मुंबई से है। डॉक्टर बुरहानुद्दीन की अंतिम यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें भारी भीड़ उमड़ी हुई है। आप देख सकते हैं जनसैलाब यहां पर उमड़ा हुआ है। दूर दूर से लोग अंतिम दर्शन के लिए आज पहुंचे हैं, जनाजे में शामिल होने के लिए उनके यहां पर पहुंचे हुए हैं। डॉक्टर बुरहानुद्दीन बोहरा समाज के धर्मगुरु, 102 साल की उम्र, जिस उनका निधन हो गया और उसके बाद कल से ही उनके अनुयायियों का, उनके समर्थकों का, उनके चाहने वालों का आना यहाँ पर शुरू हो गया है। देर रात ही 50,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे और अब यह आंकड़ा बताया जा रहा है कि लाखों में पहुँच गया है। हालांकि एक दुखद हादसा भी हुआ है। देर रात 3:15 बजे के करीबन ये भीड़ बेकाबू हो गई है, जिसके चलते 18 लोगों के मारे जाने की भी खबर है और बताया जा रहा है कि कई लोग उस दौरान घायल भी हो गए हैं। ये काफिला आप देख सकते हैं 5 से 6 किलोमीटर के भी अंदर का ये दायरा था, लेकिन ये जो वक्त 15 मिनट में तय कर लिया जाता था, 4 से 5 घंटे लग गए हैं धर्मगुरु को अंतिम विदाई देने के लिए। दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने धर्मगुरु के निधन पर दुख जताया है। मैंने अभी संवेदना व्यक्त की है। सैयदना साहब का देहांत हो गया, 102-103 साल के थे। मैं उनको कई बार मिला था और ये एक बहुत बड़े धर्मगुरु थे। उनका अंतिम दर्शन लेने के लिए जो भीड़ हो गई थी, उसमें स्टैम्पेड हो गया और 17-18 लोग मर गए। मैं श्रद्धांजलि अर्पित किया हूँ अभी अभी। न्यूज़ एक्सप्रेस संवाददाता शाहिद अंसारी इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। शाहिद, हम काफिला देख रहे हैं, जनाजे में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे हुए हैं, अभी आप क्या देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए, जो मरहूम डॉक्टर सैयदना बुरहानुद्दीन का जो पार्थिव शरीर था, वो जहाँ पे उन्हें दफनाया जाने के लिए जो पूरी प्रक्रिया या अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, वहाँ पे वो लेकर आ चुके हैं। जो उनके साथ में जो समर्थक हैं, साथ में बोहरी समाज के जो लोग हैं, लाखों की तादाद में जो यहाँ पे मरकज है, वहाँ पे लेकर आए, यहीं पे उनका अंतिम संस्कार होगा। और जो इतने सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं, वो जो सैफी हॉल है वहाँ से लेकर इस रास्ते से बीच में तकरीबन कई लाख लोग जो है यहाँ पे आए। इन लाखों लोगों के बीच में अब जो है सैयदना डॉक्टर बुरहानुद्दीन का पार्थिव शरीर, जो उनका जहाँ उनका अंतिम संस्कार या जहाँ उन्हें नमाज जनाजा के बाद उन्हें दफन किया जाएगा, वहाँ पे जो उनका केंद्र मरकज है वहाँ पे लेकर आया गया है। और जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। अभी भी जो बोहरा समाज के जो इनका मरकज है, यहाँ पे भी लाखों लोग इकट्ठा है। भिंडी बाजार में जो लोग हैं, अभी भी कई रास्तों को जो है ब्लॉक कर दिया गया है, ताकि जो उनके समर्थक हैं या जो उनके अपने पेशवा को जो देखने के लिए जो लोग आ रहे हैं, उन्हें किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। सबसे खास और अहम ये रहा है कि पुलिस अब जाग उठी है, जो कि सुबह सैफी हॉल में जो पुलिस नहीं थी, आज वो भिंडे बाजार में दिखाई दे रही है कि किसी भी तरीके से जो भगदड़ या लॉ एंड ऑर्डर को किसी भी तरह से खतरा या पैदा ना हो, ताकि इस तरह की फिर कोई दिक्कत पेश आए। हालांकि जो लोगों की मौत हो गई है, उन्हें अब स्थानीय हॉस्पिटल यानी सैफी हॉस्पिटल से मुंबई के जे हॉस्पिटल उनके शवों को लेके आया जा रहा है, ताकि उनका पोस्टमार्टम किया जा सके। और उसके साथ साथ जो जख्मी हैं उनका भी इलाज जारी है। लेकिन एक सबसे अहम और ये रहा कि जो पेशवा 102 साल के डॉक्टर सैयदना बुरहानुद्दीन, उनके जो पेश पे, पे, पे,